टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चरनीपाड़ा में केजीएन बिल्डिंग में कल इमाम साहब नजरे आलम को एक सलमान नाम के लड़के ने बुरी तरह से पीट दिया है। दरअसल ये मामला सोसाइटी के मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। मेंटेनेंस के पैसे को लेकर ये विवाद हुआ है। इमाम साहब नजरे आलम के परिवार ने बताया कि जो महिला सोसाइटी संभालती है उसके पास इमाम साहब हिसाब मांगने के लिए गए थे कि आखिर कितना खर्च होता है, और इसी बात को लेकर बात विवाद इतना बढ़ गया कि एक सलमान नाम के लड़के ने इमाम साहब नजरे आलम की बुरी तरह से पिटाई कर दी। हालांकि इमाम साहब को लेकर परिवार के लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके बाद मेडिकल के लिए उन्हें लेकर जाया गया। परिवार के लोगों ने इमाम साहब की मारपीट के मामले को लेकर मुमरा पुलिस में भी शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष है उनसे भी हमने जाकर उनका पक्ष जानना चाहा, मगर वो कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि जो दूसरा पक्ष है महिलाओं के तरफ से भी इमाम साहब के खिलाफ मारपीट, घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करना, इस तरह के मामले को लेकर जो है मुमरा पुलिस में शिकायत की गई है। और वहीं पर इस दौरान कुछ लोगों से हमसे मुलाकात हुई तो उन लोगों ने ये भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले में जो मारपीट की घटना सामने आई है दोनों तरफ से बैठकर आपस में ही सुलह करने की बात की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस मामले को आपस में ही सुलझा लिया जाए। बहरहाल इमाम साहब नजरे आलम के परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है सुनिए। ये मौलाना साहब जो अभी यहाँ बेहोश हो गए थे, इनका क्या नाम है और कैसे इनको चोट लगी, मारपीट हुई है, क्या मामला? इनका नाम नजर है। और आपका नाम? मेरा नाम रुकैया है, मैं इनकी साली हूँ। अच्छा। इनकी मतलब बड़ी, इनकी वाइफ की बड़ी बहन हूँ। अच्छा। हाँ। कैसे ये मारपीट, क्या कैसे हुआ ये मारपीट? हम लोग को फोन आया था घर पे। हाँ। ये मारपीट ऐसे हुआ है कि ये कुछ मसला चल रहा था बिल्डिंग का, इन लोग का कुछ इशू था तो उनकी जो सोसाइटी का मसला था तो इनकी बिल्डिंग की जो ओनर थी जो संभालती है सब कुछ सोसाइटी का, क्या नाम है उनका? साफिया कुछ ऐसे कुछ नाम है उनका। अच्छा, अच्छा। तो ये संभालती है सब कुछ, तो ये चार पांच आदमी ये सब मिलके गए उनके पास में, मतलब बुलाया गया था उनको। तो वो लोग बोल रहे थे मेंटेनेंस का कुछ ऐसा इशू चल रहा था, तो ये बार बार मतलब कोई भी 15 दिन पे 10 दिन पे हफ्ता दिन पे इनसे पैसा वसूल करने की बात की जाती थी कि कभी इसका खर्चा है, कभी पंप का खर्चा है, कभी किसी चीज़ का भी खर्चा। तो ये सिर्फ हिसाब मांगने गए थे कि मतलब बता दो हमको कि बार बार का पैसा क्यों लिया जाता है, मेंटेनेंस लो ना बिल्डिंग का। तो ये बार बार, हाँ, क्या नाम बिल्डिंग का, क्या नाम है? केजीएन। मुझे तो मालूम, मैं तो पुरा में रहती हूँ। आपको मालूम है? मेरे को ये बताया गया था सुबह सुबह। मेरे क्या नाम सोसाइटी बिल्डिंग का, क्या नाम है? बिल्डिंग का नाम केजीएन बिल्डिंग है। अच्छा, कहाँ पर है ये? चरनीपाड़ा ना, चरनीपाड़ा के शमशान घाट से थोड़ा सा पहले राइट साइड में। अच्छा, ये बिल्डिंग है। अच्छा, तो मेरे ससुर का नाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोइनुद्दीन खान है। अच्छा। इसके अंदर मेरे ससुर का भी 2 माले में रूम है। अच्छा। तो मेरे ससुर ने मीटिंग के लिए मेरे को फोन किए थे। अच्छा। कि उनके पैर में मार लगी हुई है, इसके पहले भी दो दिन पहले मीटिंग हुई। अच्छा। यही बारे में। अच्छा। क्या इनसे पूछा गया क्या भाई जो मेंटेनेंस लेते हैं 750 रुपये जो मेंटेनेंस है, 700-750 रुपया, तो ये मेंटेनेंस जाता किधर है? आप हर 2 दिन में 4 दिन में कभी मोटर जल गई तो उसका 2000 रुपये तुम्हारे पास नहीं रहता, 23-24 हज़ार रुपया कम से कम मेंटेनेंस में जमा होता है, तो वो पैसा जाता किधर है? लाइट का बिल आता कितना? 4-5 हज़ार रुपया, और अदर खर्चा समझ लो झाड़ू वाले का, इसका उसका। नहीं तो अगर ये 10 हज़ार का खर्चा है मेंटेनेंस को लेके, मेंटेनेंस को लेके 10 हज़ार का खर्चा है, तो बाकी का पैसा जाता किधर है? तुम हर लिफ्ट खराब हो गई तो पैसा दो, ये खराब हो गई, हर चीज मतलब वहाँ पर एक ट्यूबलाइट भी तुम मेंटेनेंस के पैसे में नहीं लगाते हो, तो मेंटेनेंस का पैसा जाता किधर है? कितना लेते हैं मेंटेनेंस का पैसा महीने? हाँ, वो 23,000 रुपया महीने का। कितना है? 23,000 रुपया महीने का, 700 रुपये मेंटेनेंस, 700 रुपये मेंटेनेंस है। तो नहीं, सब बातचीत करने अगर गए थे तो फिर ऐसा क्या बात हो गया आज की जो है इनको मौलाना साहब को इतना मारे? 2 दिन पहले इन लोगों ने मतलब पहले बात हुई थी तो मौलाना साहब ने मीटिंग रखे थे कि भाई जब ये लोग हिसाब किताब नहीं बता रहे तो इनसे बिल्डिंग ले ली जाए, तो जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग थे, दूसरे किसी को जिम्मेदारी दी जाए। हाँ, दूसरे किसी को जिम्मेदारी दी जाए, तो उनसे ये बात हुई तो ये देने को तैयार भी थे, मगर ये जब उनके दरवाजे में गए, मेरे ससुरे भी थे, ये भी थे और 4 लोग और थे, ये लोग 6 लोग जब गए, जब 6 लोग गए, 6 लोग जाने के बाद इनके दरवाजे में जाएंगे ना
कि कोई और तो जगह जाएंगे नहीं, इनके जब बिल्डिंग यही संभाल रहे हैं, इनसे बिल्डिंग लेना है, तो इनके दरवाजे में गए। हमारे दरवाजे में कैसे आए कि हम मौलाना को मारना शुरू कर दिए। तू बहुत उछलता है, मतलब गाली ना अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, औरत के मुँह से ऐसी गंदी गाली, मेरे को तो ना ये लगती, मैं खुद गाली नहीं देता हूँ। कितने लोग मारे मिलके? पहला तो ये दो लेडीज थे, ये दो लेडीज थी। कौन कौन? एक सफिया नाम की है पार्लर वाली और एक समरीन, ये दो लेडीज थी। फिर उसके बाद इन लोग ने मारने के बाद मेरे ससुरे को भी धक्का मारे, फिर उसके बाद हम लोग ने चौकी में आ गए। मौला जान उन के लेडीज लोग के मुंह तो इनको इतना ब्लड खून वगैरह निकलना, अभी बेहोश भी हो गई है। हम लोग कैसे मारे, किस चौकी में आए? मेरे साल अपना इनके दामाद, ये समरीन का दामाद, उनसे मेरी बात हुई, इनसे बात हुई, बोले एक काम करो तुम यहाँ आ जाओ, बिल्डिंग के बाद अपन बैठ के बात कर लेते। तो इन लोग रिक्शा पकड़ लिया, मैं एक्टिवा में वो जैसा मैं स्टार्ट करने गया तो इतने में देख रहा हूँ तो ये दोनों जन यहाँ पर एंट्री निकालने को आए। तो फिर हम लोग क्यों जाए, क्या हम तो चोर है क्या? फिर हम कुछ चौकी में बैठे रहे। मतलब दो मिनट के बाद मेरे को फोन आ रहा कि मौलाना को मार दिया उधर पे उन लोग, और मारने में सलमान और सलमान के साथ 8 से 10 छोकरे लोग थे। वहाँ के छोकरे लोग ने मेरे को बताया, सलमान था, सलमान के साथ 8 से 10 छोकरे थे। सलमान ने मुक्का मारा, उसके साथ में दो दोस्त लोग थे, जिसके दो लोग के पास रॉड था, दो लोग के पास रॉड था, और प्लस जो बाबू लेके जो प्लस जिससे जिससे मारना मिला उस लोग को, तो ये मारना, अरे मौलाना मस्जिद का इमाम है, तुम तुम्हारी औकात है क्या मस्जिद के इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हो और उसको ही गाली देते हो, उसको मारो, तुम्हारी औकात कितनी रहेगी? और मौलाना के ब्लेम बना रहे हो क्या? मौलाना तुम्हारी औरतें लोग के हाथ डाले, तुम्हारी औरत इतनी खूबसूरत है क्या? छेड़छाड़ का भी आरोप लगा, कम्प्लेन इतनी डाले उन लोग ने, झूठा कम्प्लेन डाले, वहाँ जाके इंक्वायरी किया तो ये सब बात कुछ भी नहीं है, सब झूठा कम्प्लेन डाले लोग ने। और औरतों लोग का भी पुलिस वाले लोग ऐसा करते हैं, पहला इन लोग आए, इन लोग की कम्प्लेंट नहीं लिए, वो आए तो उन लोग की कम्प्लेंट लेना शुरू कर दी है। तो क्या पैसा दे रहे तो उन लोग कम्प्लेंट ले रहे क्या तुम लोग? अच्छा, अभी आप लोग की कम्प्लेंट हुई? अभी लेने जा रहे थे, वहाँ भी मौलाना बेहोश हो गए। अच्छा, फिर हॉस्पिटल लेके हमारे, हम लोग ने मेडिकल करा के लेकर आए, मेडिकल कराने के बाद चौकी में लेके आने के बाद वापिस मौलाना बेहोश। अभी ऑटो रिक्शा में लेके गए, वो जो अभी लेके गए वो मौलाना को, मौलाना मेडिकल करा के आ चुके थे, वहाँ पर बोले कुछ नहीं है। तो ये क्या हाल है, क्या आदमी मेडिकल कराने आने के बाद वापस ये हाल होना चाहिए? क्या बात करते करते आदमी बेहोश? ठीक।